वो जो पहाड़ दिख रहा है ना बस तुम लोग को पहाड़ वाला, वो पहाड़ पे जाने वाले हम लोग। और ये देखो भाई ये क्या है भाई, क्या नजारा है भाई। ओहो हो हो पूरा पुणे दिख रहा भाई वहां से लेके यहाँ तक। तो तुम लोगों ने ना मेरे मोटर ब्लॉग के तीन पार्ट डाले और सारे के सारे तीनों पार्ट में ना तुम लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिखा है भाई। और अभी फिलहाल मैं और मेरी बहन जा रहे हैं, वो किधर तुम लोगों को पता चल जाएगा। सो फिलहाल लगते हम लोग रोड पे और थोड़ा बातचीत करते हैं, लेट्स गो। और तुम लोगों ने ना मेरे हर एक मोटर ब्लॉग के वीडियो को ना भाई काफी ज्यादा प्यार दिखा है लिटरली। सो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं थोड़े दूर मतलब एक अराउंड 15-20 किलोमीटर। और ये बार ना मोटर ब्लॉग करते वक्त मेरी बहन भी मेरे साथ है ट्रैवल करते हुए। अगर मेरा पिछला तुम मोटर ब्लॉग देखोगे ना, मैं सुबह सुबह गाड़ी भाग रहा था, वो यही ब्रिज है। और ये ब्रिज ना फाइनली फेमस है भाई काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरे तीनों ब्लॉग में ना ये ब्रिज तुम लोग को दिखेगा और ये चौथा है पार्ट 4 है ये मोटर ब्लॉगिंग का, और इसमें भी तुम लोग को दिख रहा है। कंपेयर सुबह जो 5 बजे हम लोग मोटर ब्लॉग कर रहे थे और अभी तुम लोग देखोगे ना तो यहाँ पर देखो भाई ट्रैफिक। एक बात बोलना था मेरे को, बात क्या है ना बस, अगर तुम लोग इंडिया के सारे सड़कें देखोगे ना भाई, ये देखो मतलब ऐसे ना ऊपर नीचे रहते भाई। अगर एक प्लेन रास्ता भी रहेगा ना तुमको थोड़ा अप और डाउन फील होगा भाई, अगर तुम्हारी गाड़ी रनिंग में रहेगी तो। स्लो में रहोगे ना इतना ज़्यादा फील होगा नहीं जितना होना चाहिए, बट एक स्पीड में ना गारंटी है कि तुम लोग को ना वो अप एंड डाउन ना फील होगा 99.9% भाई। हमेशा हम लोग सीधा जाते हैं बट आज हम लोग दूसरे जगह पर जा रहे हैं तो हम लोग सीधा नहीं ये साइड से जाना है भाई। ये ब्रिज पे ना मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जा रहा हूँ। और अभी बीच में हम लोग मंदिर भी जाएंगे तो यहाँ से ही जाएंगे, और मम्मी डैडी मैं मेरी बहन हम लोग चारों रहने वाले हैं उस दिन, बट आज फिलहाल मैं मेरी बहन हम दोनों ही है। वाओ मैन रोड देखो भाई ये, ओ हो जी जी भाई क्रेजी शिट। वो जो पहाड़ दिख रहा है ना बस तुम लोग को पहाड़ वाला, वो पहाड़ पे जाने वाले हम लोग। मजाक नहीं कर रहा हूँ सच्ची में, देखो तुम लोग अभी बस एक गोष्ट तक नक्की था कि तुम ना पुण्या मजी बराबर ना मोटर ब्लॉगिंग करू ना शकत, कारण की रीजन का है ना मेन फंडा का इथं तुम्हाला ट्रॅफिक तर दिसणारच सगळ्या जागी, पण आपल्याला ना थोडं दूर यावं लागतं चांगलं मोटर ब्लॉगिंग करायचं असलं तर। बट अजून मेन महत्त्वाची गोष्ट काय ना की इथलचे लोक ना कधी पण मागं बघत नाही काय नाही, आणि मिररचा यूज वगैरे पण काय करत नाही, तर त्यांनी लोक ना डायरेक्ट ब्रेक मारून टाकतात जे मागल्या माणसांना ना रिस्क असतं। आणि मी कधी कधी मराठीमध्ये बोलत नाही पण आता मी मराठीमध्ये मी कधी कधी बोलायचा पूर्ण प्रयत्न करणार। ये कर लो भाई तुम लोग बड़े बड़े ट्रैक्टर लगे घुस जाओ रोड के बीच में, क्या बोलने का भाई। चलो भैया इधर से भी गाड़ी घुसा भाई, ये प्रॉब्लम है पुणे में, किधर से भी गाड़ी घुसाओ, किधर भी घुसो, किसके अंदर भी घुस जाओ। ओहो हो मैं खुद ये सारे रोड पे ना 2 साल बाद आ रहा हूँ, 2 साल बाद ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर आउटसाइड ना ट्रैवल करता नहीं हूँ। और जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था ना कि हफ्ते में तुम लोग को 2 ब्लॉग मिल जाएंगे मोटर ब्लॉग, तो जो मैं प्रॉमिस करता हूँ वो मैं पूरा करता हूँ भाई। और ये देखो भाई ये क्या है भाई, क्या नज़ारा है भाई। ओहो हो एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन हम लोग चढ़ने वाले अभी। ओ भाई सावधान रीजिए सतर्क रीजिए।
ये जो मजा है भाई साहब, ओहो भाई, ये ऐसे जगह पे क्या होता है ना, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पीड चलाना पड़ता है भाई, क्योंकि ये बस वगैरह ये फोर व्हीलर वगैरह ना भाई, ये लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्पीड में आते हैं, पता है तुम देखो। मेरी बहन है ना यहाँ पर, मैं तो यहाँ पर पूरा लीन मारता था, मैं पूरा लीन मारता था, पूरा लीन। ओहो, देखा ना भाई, ऐसे लोग है भाई पुणे में, सेफ्टी का मतलब छोड़ ही दो भाई, कि वहां का रोड जहाँ पे पट्टी है वहां पे ना, वहां से गाड़ी चलाना तुम लोग, साले चूतिए। ओहो गाइस, ड्रीम है भाई हर किसी का। ओहो मेरी बहन है यार, सच में तो पूरा लीन मारता था आज, मैं मजाक नहीं करूंगा, पूरा लीन मारता था भाई, पूरा लीन जाता थी गाड़ी अपनी। ओ भाई, ओहो जी, भाई साहब भाई ये क्या देख रहा हूँ, भाई क्रेजी भाई, टॉप ऑफ द माउंटेन देख रहा हूँ, तभी तो एकदम नेक्स्ट लेवल सीन रहने लगा गाइस, तुम लोग देखो बस, टॉप ऑफ द माउंटेन चलते पहले। पूरी लीन मारती है भाई आराम से, पूरी लीन मारती है भाई आराम से। मेरी बहन बेटी है ना, तो वो वेट एक साइड ज्यादा ना होना चाहिए, इसके लिए ना मैं कुछ कर रहा नहीं हूँ। और तुम लोग देखो कि मैं जब भी टर्न मार रहा हूँ ना, सामने कोई गाड़ी है वही सबसे मैं मार रहा हूँ, ठीक है, अगर वहां से कोई गाड़ी आती है मुझे नहीं दिख रही है ना, तो मैं नहीं करूंगा भाई, बिल्कुल भी नहीं। रोका देता हूँ गाड़ी यहाँ पर, क्या बोलते हो? ओ भाई साहब ये देखो भाई नजारा, पूरा पुणे दिख रहा है भाई हमारा। ओहो गाड़ी गर्म हो गई, बोल क्यों? अरे यार तू डरेगी तो मेरी बहन है रे। ओ भाई साहब गाइस ये देखो भाई, पूरा पुणे दिख रहा है भाई, वहां से लेके यहाँ तक। तुमने देखा है हमारी मौसी बेटी पेरू देते, ए पेरू खाएंगे क्या? पेरू खाएंगे? पेरू नहीं खाने का जान दो। क्रेजी, या तो थोड़ा फोटो वगैरह निकाल लेते हम लोग, क्या बोलते हो? अभी एक लड़का आया था भाई, मेरे को जस्ट पूछ रहा था कि भैया आप राइडर हो क्या, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो क्या? बोला हाँ। मेरी बहन को पता हो मेरा ये वाला कैमरा ना हेलमेट को था, पर एक चीज़ है भाई कि बहन लोग को ना सिर्फ रील बनाने आता है, फोटो निकालना बिल्कुल भी नहीं। आज ये चीज प्रूव हो गया भाई, गिन के ना भाई 15 फोटो निकाले, लेकिन गिन के तो 2 फोटो भी आखिर में अच्छा निकल ली। चल चल मौसी तिला नको जा, तुमचा खाऊन संपून टाकेल ग्रेप्स। खायचा आहे पेरू? पेरू खाएंगे क्या? बोल पेरू गोड आहे ताई, पेरू मी खात नाही ना, पेरू नाही खात होती। और मेरी बहन की जो फटी है ना गाइस, ओ भाई साहब चलते एकदम छील छील। वो जो आंटी बैठी थी ना वहाँ पे पेरू लेके, मजाक ना करूँगा, वो आंटी को ना मैंने थोड़ा मदद किया भाई आज, और अच्छा लगता है कभी भी किसी को मदद करके। और आजकल के ना बच्चे लोग ऐसे इन्फ्लुएंस कैसे हो रहे, मैं तुम लोग को समझाता एकदम डिटेल पे, कि वो लोग ना कुछ अच्छा काम करते रहेंगे ना, वो लोग यूट्यूब पे डाल देते हैं और सामने वाले लोगों को मालूम पड़ेगा कि मतलब बहुत अच्छा लड़का है ये तो, कि लोगों की मदद कर रहा है ऐसे कुछ, और लोग वो सब चीज़ से ना काफ़ी ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बट कभी भी तुम्हारा अच्छा काम ना, ज़्यादा भी तुम किसको मदद करते हो यूट्यूब वगैरह पे दिखा करो मत, बिल्कुल भी। तुम किसको मदद कर रहे हो वो आदमी खुश है और भगवान खुश है, और क्या चाहिए भाई। मुझे पता कि तुम लोग को भी ना ये वाला चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा, और मैं पूरा बेस्ट करते रहूँगा मोटो व्लॉग में, क्योंकि मैं ना एज अ व्लॉगर और मोटो व्लॉगिंग ना मेरा ड्रीम था भाई, और आज अपने ड्रीम पर काम कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। जो लोग मेरा काम देखते ना, वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता है कि मैं क्या करता हूँ रोज़ क्या नहीं। और अभी क्या है ना, 5 बजने के लिए टाइम है, और मम्मी को आज हॉस्पिटल भी लेके जाना है, क्योंकि येस्टरडे ही ना तुम लोगों ने देखा होगा कि मैं MRI वगैरह करा के लेके आया मम्मी का, तो उसके रिपोर्ट्स दिखाने हैं, और आई होप कि मम्मी के ना सारे रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल हो।
ओ भाई साहब, थोड़ा आगे तो जाना पड़ेगा ही भाई। ओ हो, बब्बी टाइट पकड़ बब्बी, बब्बी टाइट पकड़, बब्बी टाइट पकड़, बब्बी टाइट पकड़। हेलो भैया, ओहो, टाइट पकड़ बब्बी, टाइट पकड़ मेरी बहन की जो फटरी है। ओ भाई साहब, मेरी बहन की जो फटरी है आज। ओहो, क्या हवा आ रहा भाई, विंड ब्लास्ट इतना ज्यादा आ रहा है ना, बस क्रेजी भाई। आज का काम तो मैंने पूरा कर लिया, डैडी वगैरह को बिजनेस वगैरह तो काफी ज्यादा हेल्प किया, और मेरा जो काम है मैं वो भी कर रहा हूँ, पेरेंट्स को भी हेल्प कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी ना अपने पेरेंट्स को काफी ज्यादा हेल्प करो, और जो तुम्हारा ड्रीम है उसके लिए भी ना काफी ज्यादा मतलब मेहनत करो, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग भी मेरा व्लॉग देख रहे हो ना, वो सब लोग ना काफी ज्यादा मेहनत करे भाई, काफी ज्यादा सब लोग साथ में आगे बढ़ेगा। सो चलता हूँ घर पर एकदम सेफ, और आई होप तुम लोग अभी तक मेरा व्लॉग देख रहे हो। और आज का व्लॉग तुम लोग को कैसा लगा गाइस, एक बार कॉमेंट में जरूर बताना। मिलता है तुम लोग को एक नए ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए पीस आउट गाइस।